खबर भरतपुर से, एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई। सीजीएसटी के दो अधिकारियों को 4 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। अलवर कमिश्नरेट में नियुक्त अधिकारी पहुंचे थे रिको इंडस्ट्रियल एरिया में। दोनों अधिकारी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे थे सीजीएसटी का केस बनाने के लिए और व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी भी दी। धमकी देकर 4 लाख बतौर रिश्वत वसूल लिए गए। आरोपियों के निकलते ही व्यवसायी ने एसीबी को सूचित कर दिया। एक व्यवसायी के पास सीजीएसटी का केस बनाने के लिए पहुंचे थे, एसीबी ने बीच रास्ते में ही आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों से रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई है। दोनों को एसीबी के ऑफिस लाया गया है। एसीबी कार्यालय में ही दोनों घुसखोरों से अभी पूछताछ जारी है। तो एसीबी की बहुत बड़ी कार्रवाई और उतनी ही बड़ी रकम फिलहाल रिश्वतखोरों से बरामद की गई है। सीजीएसटी के दो अधिकारियों को 4 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, यानी कि पूरे प्रदेश भर में एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर वीडियो सामने आ गया है, आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दो बड़े अधिकारी हैं, अलवर कमिश्नरेट में नियुक्त अधिकारी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे थे। दोनों अधिकारी रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे सीजीएसटी का केस बनाने के लिए। व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी दी गई। एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर देखिए। धमकी दी गई, 4 लाख बतौर रिश्वत वसूले गए और फिलहाल अब वो एसीबी के शिकंजे में। अभी पूछताछ जारी है। मेरे सहयोगी रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, एसीबी की जितनी बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, उतनी ही बड़ी रकम भी वसूली गई है रिश्वतखोरों से। फिलहाल अभी भी पूछताछ जारी है, क्या कुछ सामने आ पाया? देखिए, जो एडिशनल एसपी हैं एसीबी के, तो उनकी मैच में उन्होंने भी हमको बताया है कि एक बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है। सेंट्रल जीएसटी के दो अधिकारी थे, उन्होंने जो भरतपुर में एक व्यवसायी था 9 करोड़ रुपए की, उसको 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने के लिए धमकी दी थी, जिसमें उन्होंने 4 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन अब 4 लाख रुपए उसको दे दिए गए। तो जो व्यवसायी था उसने तुरंत फोन अपने एसीबी के अधिकारियों को किया और एसीबी ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो हिरासत में लेके क्या अभी भी पूछताछ जारी है? और भी डॉक्यूमेंट्स खंगाले जाएंगे, पास रिकॉर्ड खंगाला जाएगा? रवि, देखिए अभी तक जो एसीबी के अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने सिर्फ इतना ही जानकारी बताई है। चलिए, शुक्रिया रवि तमाम अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है, बड़ी खबर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको वीडियो भी दिखा रहा है, सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो है। गाड़ी और उनका ऑफिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर, लेकिन यहीं के दो अधिकारी जो है वो धरे गए हैं। एसीबी की बड़ी कार्रवाई और बड़ी रकम यहाँ पर, 4 लाख की रिश्वत लेते दोनों अफसरों को पकड़ा गया है। व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी दी गई और 4 लाख रुपए रिश्वत लेते उन्हें धर दबोचा गया। फिलहाल पूछताछ जारी है, हो सकता है कि पास रिकॉर्ड खंगालने के बाद और भी अहम जानकारियां निकले यहां पर हो।